सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS News TV और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। पंचतत्व विलीन हुए भारत के रत्न। प्रधानमंत्री मोदी ने 19वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा की। बंगला खेलने से लाभ नहीं, दिल्ली वालों की समस्याओं पर ध्यान लगाना चाहिए पवन खेर। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। पंचतत्व विलीन हुए भारत के रत्न। टाटा समूह के मानद अध्यक्ष रहे परोपकारी रतन टाटा का पार्थिव शरीर गुरुवार शाम को पंचतत्व में विलीन हो गया। वर्ली के शवदाह गृह में टाटा परिवार के सदस्यों और नमक से सॉफ्टवेयर कारोबार तक फैले टाटा समूह के शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राकांपा अध्यक्ष शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सुशील कुमार शिंदे सहित कई दलों के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। राज्य मंत्रिमंडल ने टाटा को भारत रत्न सम्मान देने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के पास भेजवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने 19वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में वियनशेन लाओ पीडीआर में महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। सबसे पहले उन्होंने टाइफून यागी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि भारत ने ऑपरेशन सद्दाफ के माध्यम से मानवीय सहायता उपलब्ध कराई है। आई बढ़ती अगली खबर क्या। बंगला खेलने से लाभ नहीं, दिल्ली वालों की समस्याओं पर ध्यान लगाना चाहिए पवन खेर। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी में तकरार जारी है। कांग्रेस इस बारे में क्या सोचती है, इस सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सभी को नसीहत दी। इसके साथ ही हरियाणा चुनाव जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी अपनी राय रखी है। पवन खेड़ा ने कहा, दिल्ली के लोगों की प्राथमिकताएं और उनकी समस्याएं इन सब विवादों से कहीं हटकर विकराल और बड़ी है। सभी को वहां अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपस में बंगला खेलने से कोई लाभ नहीं। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला दर्शक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS News, सच जरूरी।